क्वेश्चन में यहाँ पे 0/0 सॉरी 0 रखने पर 0/0 बन जाता है, नहीं करेंगे ऐसा। यहाँ पे कुछ वर्किंग करेंगे, cos 2x का फॉर्मूला होता है, आप एक काम करिए cos 2x के और भी फॉर्मूले होते हैं, मैं लिख रहा हूँ 2cos²x-1, एक होता है cos²x-sin²x, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले हैं cos 2x के, कोई कहीं भी लग सकता है। तो पहला फॉर्मूला यहाँ साइन स्क्वायर वाला लगा देंगे, क्योंकि साइन वाली थ्योरम हमें पता है लिमिट के ऊपर, जो साइन की थ्योरम होती है। तो यहाँ लिखेंगे 1-2sin²x-1। यहाँ पे cos x, जब यहाँ यहाँ x होता है तो यहाँ पे x/2 हो जाता है, 1-2sin²x/2-1, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब जो कुछ बचा -2 -2 वो भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा लिमिट x→0 साइन, यहाँ स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर था, sin²x/2। इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में कुछ नहीं, तो डिवाइड अपने मन से करेंगे, लिमिट x→0 sin²x था, तो इसको हमने x² से डिवाइड कर दिया। अगर डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, सिमिलरली लिमिट को नीचे ले आए, लिमिट x→0 sin²x/2 था, इसको डिवाइड करेंगे x/2 के होल ऑफ स्क्वायर से, इनटू जिससे डिवाइड किया उसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे। यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x²/4, तो ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 1/4 यहाँ से बाहर आएगा। तो क्योंकि ये डिवाइड के नीचे डिवाइड है, इसलिए ये 1/1/4 हुआ, लिमिट x→0 हुआ। अब ध्यान से देखते हैं जरा, इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, यहीं पे करना नहीं पड़ेगा, 1/1/4, इस पूरे की वैल्यू हो गई 1 × 1/1। सिमिलरली इस लिमिट वाले की भी वैल्यू हो गई 1, है ना। तो ये हो गया 1/1/4, इट इम्प्लाइज 4। ये बात समझ आ गई, अब बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन हो मुझे बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा b, b विच इज ए कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म है, तो इसको यहां से हटा करके लिमिट से बाहर आ जाएगा, ये 1/b हो गया, पहला काम तो ये हो गया, ठीक है भाई। यहां पे sin x है, तो इसके नीचे x होना चाहिए, ठीक है, नहीं है तो बनाएंगे। दोनों में x और x कॉमन है, जरा कॉमन आउट निकाल लें, 1/b लिमिट x→0, x हमने कॉमन निकाला, यहां बचेगा a प्लस cos x / sin x, इन दोनों में इंटू है, हम इसे ऐसे ले जाएंगे, 1/b लिमिट x→0 x/sin x, लिमिट x→0 a प्लस cos x, यहां तक बात। अब यहां पे इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/ लिमिट x→0, यहां पे आता है, जब हमने रेसिप्रोकल किया तो ये हो जाएगा sin x/x, कैसे, x/sin x लिखा है, मैं इसे 1/sin x/x लिख सकता हूं कि नहीं बताओ। चलिए उसके बाद लिमिट, अब यहां पे लिमिट 1, क्योंकि कांस्टेंट टर्म, इस पे लिमिट लगाने कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट टर्म पे कभी भी लिमिट अप्लाई नहीं होती है, तो इसलिए लिमिट नीचे आ गई, ठीक है, इनटू यहाँ पे लिमिट है, इसमें जरा लिमिटिंग वैल्यू रख सकते हैं, ए कांस्टेंट उसमें रखेंगे नहीं, cos x 0 रखेंगे, तो cos x की जगह 0, लिमिट काम यहाँ से खत्म हो गया, इनटू cos x की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हो गया a प्लस 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 1/b ये हो गया 1/, इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ऐसा इट इम्प्लाइज 1/b इंटू a प्लस 1, ये ब्रैकेट में है,
दैट मीन्स ए प्लस वन बाई बी, ये आपका फाइनल आंसर है. एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स सेक एक्स, क्या होगा इसका आंसर, चलो बताओ. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, सीधे सीधे वैल्यू पुट अप करो, क्या होगा, जीरो इंटू सेक जीरो की वैल्यू कितनी होती है, सेक जीरो की वैल्यू कितनी होती है, विशेष वन होती है. ठीक, देखो sec x का मतलब होता है 1 अपॉन cos x, और sec 0 का मतलब 1 अपॉन cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 अपॉन 1, 1 हो गई. ठीक, 0 into 1 क्या होगा, 0 is a finite number, ये known है, infinite है, ये आंसर होता है, इसलिए ये इसका आंसर है. चलिए क्वेश्चन नंबर 20. इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन. लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, साइन ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, ये करना है, बताइए. जैसे आप इसमें जीरो, हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे क्या कॉमन ले लेंगे बेटा, यहाँ पे ये जो x है और साइन के साथ है, साइन का साथ एंगल है, ये कॉमन नहीं हो सकता. अब मैंने आपको अभी फिर बताया कि आप एक क्वेश्चन को सीख लीजिए, बस उसको वैसे करिए. अब ये नया फॉर्मेट है, यहाँ पे साइन के साथ अगर कोई एंगल होता है और प्लस x होता है, तो इससे कभी आप x बाहर नहीं ले सकते, ये साइन के साथ है. अगर यहाँ इंटू होता, यहाँ कुछ और होता, यहाँ है एक्स स्क्वायर या एक्स ही होता, तो ये और ये कॉमन हो जाते हैं. देखिए ऐसे तो नहीं होगा, आप जीरो रखेंगे इट विल बिकम जीरो बाई जीरो, तो ऐसे सॉल्व ही नहीं होगा, ये स्पेशल क्वेश्चन है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिमिट को अंदर पहुँचाएंगे ऊपर, और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लिमिट को, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स इंटू एक्स कर लेंगे प्लस, क्योंकि साइन वाली थ्योरम लगानी है, प्लस लिमिट बी एक्स एक्सटेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ए एक्स प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स इंटू बी एक्स. तो यहाँ तक हम ले आए थे क्वेश्चन को, अब यहाँ पे इंटू है तो लिमिट को इसमें भी ले जाएंगे, यहाँ भी इंटू से लिमिट को अंदर भी ले जाएंगे. तो नाउ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स इंटू लिमिट ए एक्स एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो बी एक्स. सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ए एक्स प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ऑफ बी एक्स. नाउ क्या क्या कर सकते हैं इसमें समझते हैं. इसकी वैल्यू तो सीधे सीधे वन हो गई, इसकी भी वन हो गई, बिकॉज ए एज एक्स टेंडिंग टू जीरो ए एक्स ऑल्सो गोज टू जीरो बी एक्स ऑल्सो गोज टू जीरो. तो यहाँ पे ए एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे बी एक्स लिख सकते हैं. ठीक, अब ये वन हो गया, इट विल बिकम वन इंटू दिस प्लस दिस, वन इंटू लिमिट ए एक्स एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो बी एक्स. इस वन को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. सिमिलरली लिमिट ए एक्स एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस लिमिट, इसकी वैल्यू वन हो गई, लिखने की जरूरत नहीं, वन इंटू दिस यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ऑफ बी एक्स.
इसकी वैल्यू वन इंटू दिस यही बचा हमारे पास। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे आप अगर लिमिटिंग वैल्यू जीरो जीरो रख देंगे तो जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो यानी जीरो बाई जीरो बन जाएगा। तो हम यहाँ पे ये नहीं करना है, लिमिटिंग वैल्यू अभी नहीं रखेंगे। इसके बाद का स्टेप क्या है, इस लिमिट को कंबाइन कर देंगे, कोलैप्स कर देंगे। जैसे अभी तक हम अंदर ले गए थे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, जगह कम पड़ जाएगी। चलिए देखते हैं, इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, आप देखिएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स। सिमिलरली लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये भी हो गया ए एक्स प्लस बी एक्स। ध्यान से देखिए, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, है ना, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो दोनों लिमिट को आप फिर से हटा सकते हैं, फिर से कोलैप्स कर रहे हैं, लिमिट को बाहर निकाल रहे हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो, यहाँ पे हमने लिखा ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कट जाएंगे अंदर, लिमिट में हमने कुछ नहीं किया, लिमिट बाहर आई बस। तो ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो ऑफ वन। वन क्योंकि कॉन्स्टेंट वैल्यूज पर अप्लाई नहीं होगा तो इसका आंसर ही वन होगा केवल, ठीक। कुछ लोग ऐसे करेंगे, यहाँ भी काट लेंगे, वो गलत तरीका है, वहाँ नहीं काटेंगे, प्रॉपर तरीके से ही लिमिट के क्वेश्चन करेंगे, तब आंसर आएंगे सही। चलिए